नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दाब रेडो में। और आज मैं फिर से हाजिर हूं नई वीडियो के साथ, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हम सबके साथ जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि अपने नोट्स को किस तरीके से अच्छा बनाएं या फिर यूनिक बनाएं। उसमें जो जानकारी हम डालते हैं वो तो हम डालते हैं, लेकिन कईयों के हम जब नोट्स देखते हैं तो हमें उसे देख के लगता है कि इन्होंने कितने प्यारे नोट्स बनाए हैं, जबकि जानकारी हमने अपने नोट्स में भी रखी होती है, लेकिन वो उतना दिखने में एक यूनिक सा नहीं दिख रहा होता। तो आज की वीडियो उसी पे है कि अपने नोट्स को यूनिक कैसे बनाएं, और आपका कोई नोट्स देखे तो उसे लगे कि क्या नोट्स बने हैं। तो अगर आप ही पूरी वीडियो देखते हैं तो आपका भी यकीन है नोट्स जो है बहुत ही यूनिक बनने वाला है, और जो भी आपके नोट्स देखेगा तो उसे भी लगेगा कि क्या नोट्स बने हैं यार। तो उसी के लिए आज की वीडियो है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो हम इसका फ्रंट कैमरा से हम वीडियो बना रहे थे, उसका हम रियल कैमरा स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। तो दोस्तों जो बुक है ये है जीएस दृष्टि भूगोल, सामान्य भूगोल की। तो ये बुक मुझे क्यों अच्छी लगी मैं उसका भी कारण बताऊंगा, और आपने इसे क्यों परचेस करना मैं उसका भी कारण बताऊंगा दोस्तों। अब इसमें देखो, सामान्य परिचय, भारत, महत्वपूर्ण आयाम, देखो सीमावर्ती देश, क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, सामान्य मानक, दूरस्थ बिंदु। इसमें क्या दिया गया है, जब आप कोई नोट्स बना रहे हो, देखो ये आ गया, देखो कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और मैं इसका फ्लैश ऑन कर देता हूँ। मुख्य भूमि का विस्तार देखो, उत्तर से दक्षिण 32,14, पूर्व से पश्चिम। ये इसमें क्या है कि पूरी लाइन नहीं बना रखी है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का इतना विस्तार है या पूर्व से पश्चिम का इतना विस्तार है। देखो देशांतर विस्तार, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध होता है वैसे, देखो ये आ गया उत्तरी गोलार्ध। अवस्थिति हिंद महासागर के उत्तर में। तो इसमें क्या दिया गया है, बहुत ही लाइन को बहुत शॉर्ट करके दिया गया है, मतलब गागर में सागर भरने का काम किया है इस पुस्तक ने। ये देखो अक्षांश विस्तार आया इसमें, आप देख सकते हैं अक्षांश विस्तार, देखो किस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया है, बिल्कुल जानकारी दी हुई है, पूरे वाक्य प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों उसमें। अक्षांश विस्तार को देखेंगे, 111 किलोमीटर समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमें पता है 111 होती है, और वहां पर हम देशांतर की बात करते हैं तो वहां पर क्या जाती है 111.32 मीटर है ना। तो प्रधान यामोत्तर के बारे में भी आया, देखो अन्य नाम 0 डिग्री देशांतर, काल्पनिक रेखा होती है, विशेष क्या है, पृथ्वी के दो बराबर भागों में काटती हैं। अभी देखो भारत का विस्तार, देखो पूर्वी देशांतर, उत्तरी देशांतर और उत्तरी अक्षांश, सॉरी उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों मेरा कहने का क्या मतलब है, इसमें देखो कितना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, ये है ही क्या, चित्रात्मक प्रस्तुति। और यदि आप इसमें और नॉलेज भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या है इस पुस्तक में आपको देखो क्या मिलने वाला, देखो सारे में देखो नोट्स ही चित्र ही चित्र बने हुए हैं, जो कि आपके नोट्स को जब व्हाइट पे मतलब आप नोटबुक में बनाओगे विदाउट लाइन वाली में, तो ये इतने प्यारे नोट्स बनने वाले हैं उसमें। ये देखो चित्रात्मक प्रस्तुति भी है, और देखो अन्य नाम मध्यमाले, पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है, अन्य श्रृंखला धौलाधार, महाभारत। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको सब चीज़ समझ में आ रही होंगी दोस्तों। ये देखो ये देखो देखो दर्रे आया, अब दर्रे को देखो इन्होंने किस तरीके से दिखाया गया, कितना प्यारा। देखो सबसे पहले देखो दर्रों से क्वेश्चन जब बनते हैं कि जो जिला दर्रे के अवस्थिति कहाँ है, जौस्कर श्रेणी में है, विशेषता क्या है, श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला मार्ग है, और साथ में ये देखो हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखो, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, यांगची दीवान दर्रा, पारंगला दर्रा, मणिरंग, भाभा। तो सिक्किम में देखो नाथुला हो गया, जलेपला हो गया, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, सेला, यांगयाप, दिफू है ना। तो देखो कितने प्यारे से इसको समझाया गया है, और आप जब इसको अपने नोट्स में बनाओगे तो यकीनन ये बहुत ही प्यारे नोट्स। तो दोस्तों यह है वो पुस्तक, शायद इसमें उल्टी आ रही हो लेकिन मैं इसका फोटो लगा दूंगा जो आप समझ सको। देखो घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि, तो ये बहुत ही अच्छी है, 7 भागों में प्रकाशित हुई है, ये तीसरा भाग है इसका,
तीसरा भाग क्या है कि तीसरा भाग ये मैं सोच रहा हूँ कि ज्योग्राफी का तीसरा भाग है, हर चैप्टर के हर विषय के इन्होंने हर सब्जेक्ट के एक एक भाग बना रखे हैं। जैसे कि मेरे पे ज्योग्राफी का मेरे पास है, पॉलिटी का मेरे पास है, हिस्ट्री का मेरे पास है, और मेरे पास है आपका उस एक और है मैं साथ भूल रहा हूँ उसका, उनका भी मेरे पास है। तो जैव मंडल पर आधारित है वैसे वो, तो इसमें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, नोट्स बनाने के लिए इतनी बढ़िया बुक लगी मुझे, आप भी इसको ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और यकीनन अगर आप इसको देख कर अपने नोट्स बनाएंगे ना तो आपके जो नोट्स देखेगा वो यकीनन फैन बना ले आपके नोट्स, वो ये जरूर बोलेगा कि भाई आपने नोट्स बनाए कहाँ से और ये आपको बताया किसने कि इस तरीके के नोट्स बनाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि वर्तमान में जो पुलिस भर्ती चल रही है, परीक्षा मतलब प्रक्रिया उत्तराखंड में चल रही है, आप उसके लिए इस नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं, और कोई भी वनडे एग्जाम हो वहां पे भी आप इन नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं फिर से बोलूंगा, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।